नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के तरन तारण रोड पर एक निजी बैंक में दिन दिहाड़े लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। होशियारपुर पुलिस ने एटीएम चोर गिरोह पर्दाफाश कर आरोपियों को किया काबू। चोर के व्हीकल, गैस कटर और सिलेंडर किए बरामद। विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी दरबार का वार्षिक मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न। प्रसिद्ध पंजाबी गायक रोशन प्रिंस ने लगाई हाजिरी। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के तरनतारन रोड पर आईसीआईसीआई बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक लुटेरों द्वारा 20 लाख रुपए की लूट की गई। सूत्रों की माने तो एक्टिवा पर सवार होकर तीन लुटेरे आए और बैंक में से 20 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। इस मौके पर बैंक अधिकारी ने बताया कि तीन लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर कैश काउंटर में दाखिल होकर 20 लाख रुपए लूट लिए। जब लुटेरे बैंक में दाखिल हुए तो बैंक के गेट पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे मौके पर जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही दोषियों को काबू कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच की जाएगी कि बैंक द्वारा कानूनों की पालना पूरी तरह से की जा रही थी या फिर नहीं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं प्लेस ऑफ अक्रेंस देखने लिए हुणे आया जी। वीआईपी ड्यूटी चल रही थी, पहला इन देखांगे। उस तो पहला हले कुछ भी कमेंट करना औखा है। जो दस्या है भी जेडे सस्पीशियस तीन बंदे आए हैं, जो फोन से जिन्नी मैं कन्वे हुई है, सो मौका देख के इन्वेस्टिगेट करा जी, दैन तो कन्वे कर दें। मैं एग्जैक्ट मैं जी जाके अंदर हले मैं देखता है। तीन तीन दस रहे हैं जिन्नी मैं फोन से इन्फॉर्मेशन है। कार्रवाई है जी, कार्रवाई देखो जी इन्हों का अभी इन्हों के पैरामीटर देखते हैं। बैंक ने जेडे प्रॉपर पैरामीटर जेड़े सी उन्होंने फॉलो कर रहे हैं। अजय मैं वही दस्या भी नीचली हले तो मैं एंटर कर रहा। जिला होशियारपुर पुलिस की तरफ से विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि होशियारपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने जिला होशियारपुर और आसपास के जिलों में एटीएम चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। इस संबंधी जानकारी देते हुए डीएसपी एसएस संधू ने बताया कि पकड़े गए चोरों द्वारा पहले ही करीब 4 एटीएम चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है और अब वे पांचवें एटीएम की चोरी की वारदात करने की फिराक में थे कि पुलिस द्वारा उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन चोरों के पास से चोरी के व्हीकल, गैस कटर और सिलेंडर भी बरामद किए हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को पुलिस द्वारा अदालत में पेश करके आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। और श्री सरबजीत सिंह जी भाइया एसपीडी होशियारपुर जी के दिशा निर्देशों तहत समाज विरोधी अंसर के खिलाफ वीडियो मुहिम तहत होशियारपुर पुलिस ने उस समय भारी सफलता मिली जदों श्रीमती उषा राणी मुख्य अफसर थाना मेटियाण वालों जिहड़ा एटीएम गैस कटर ने कट के वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 दोषियों को गिरफ्तार किया जी। इन्होंने पहला 2 जगह एटीएम लुटन की कोशिश की, एक राजपुर भाइया एचडीएफसी बैंक का एटीएम, एक फुगलाने विखे पीएनबी बैंक का एटीएम। इन्हों की मोडस अपरेंडी सी कि इन्हें जीएनए जिहड़ी इंडस्ट्री है उहदे विचों पहला सिलेंडर चोरी किए, गैस कटर चोरी किए उत्थों। वह उन्हों की मदद नाल जिहड़ा इन्हां ने पहला राजपुर भाइया एटीएम लुटन की कोशिश की, फिर फुगलाने पिंड विखे एटीएम लुटन की कोशिश की। फुगलाने वाली वारदात 9.5 लाख रुपया कैश सी जिस दिन इन्होंने वारदात की, पर उस दिन साड़ी जिहड़ी पीसीआर सी रात की पेट्रोलिंग पार्टी जिहड़ी मौके पर रूटीन की तरह जिहड़ी एटीएम रात में चैक करते हैं वह मौके पर पहुँच गई।
दोषियों ने जो बाहर गड्डी खड़ी दा खड़ाक सुनिया ते उस टाइम पिछों हनेरे दा फायदा उठा के मौके तो भजन च कामयाब हो गए। थाना सिटी जिला पुलिस की ओर से मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल चोर को काबू करने में सफलता हासिल की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी जीरा गुरदीप सिंह ने बताया कि रेशम सिंह नाम के एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल सिविल अस्पताल जीरा से चोरी हो गया था, जिसके बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान सरबजीत सिंह उर्फ सनी निवासी गांव बहिक गुजरा के तौर पर हुई है, जो कि मोटरसाइकिल चोरी कर आगे बेचने का धंधा करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। ਉਹਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਰੇ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪਲੈਂਡ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਬਹਿ ਗੁਜਰਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੋਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ, 2 ਡੀਲੈਕਸ 1 ਸਪਲੈਂਡ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਜੀਰੇ ਸਿਟੀ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। महामाई की महिमा को जन जन तक पहुंचाने और भक्त जनों को महामाई के चरणों से जोड़ने के लिए श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी ने मां त्रिपुर मालिनी दरबार में 13वें वार्षिक मेले का आयोजन महामाई की कृपा और भक्त जनों के सहयोग से इस बार भी विशेष धूमधाम से समारोह पूर्वक किया। सुबह से ही पक्की भेंटों द्वारा मां त्रिपुर मालिनी जी की महिमा का गुणगान शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। इस मेले में जिन भक्तजनों की मुरादें पूरी हुई, उन्होंने मेले में ढोल की थाप के साथ नाचते हुए हाथों में लाल पीले केसरी झंडे लिए शामिल होकर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। हाजिरी भरने वाले प्रमुख गायक रोशन प्रिंस, राजकुमार सहगल, देव चंचल ऑस्ट्रेलिया वाले, गायक वरुण मदान, प्रदीप पुजारी, आकाश वर्मा, गौरव चतुर्थ, कृष्ण गोपाल मैमी, चीनू सहगल, बसंत शर्मा दिल्ली वाले, शंकी सहगल, प्रवीण लक्की, अमित कुमार, ज्योति शर्मा, रमेश जालंधरी, अशोक शीतल सहित कई प्रसिद्ध कलाकार शामिल थे, जिन्होंने धार्मिक लेखक बलबीर निर्दोष द्वारा लिखी गई प्रमुख भेंटों को सुनाकर सारे वातावरण को मां के रंग में रंग दिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज, दैनिक सवेरा के डायरेक्टर वाणी विज, संयुक्त संपादक सितेश विज, संयुक्त संपादक अभिषेक विज, डायरेक्टर नेहा विज, कृष्णा विज, रुचि विज, शिवम विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। सारा दिन मंदिर प्रबंधक कमेटी एवं माँ के भक्तों द्वारा आयोजित विभिन्न व्यंजनों के लंगर चलते रहे। इस दौरान लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माँ त्रिपुर मालिनी के दर्शन किए। इस अवसर पर परम पूजनीय इंदु देवा, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कैशियर पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की धर्मपत्नी अनीता सोम प्रकाश, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, भाजपा लोकसभा प्रभारी सुशील कुमार रिंकू, पत्नी सुनीता रिंकू, विधायक शीतल अंगुराल, पत्नी मीतू अंगुराल, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व CPS KD भंडारी, भाजपा नेता अमित तनेजा, भाजपा नेता मोनू पुरी, भाजपा नेता एडवोकेट अशोक सरीन हिक्की, युवा भाजपा नेता रॉबिन सांपला, चमनलाल बंटी, युवा भाजपा नेता हिमांशु शर्मा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पूर्व चेयरमैन दिनेश ढल, आप नेता राजविंदर कौर, लोकसभा प्रभारी अश्वनी अग्रवाल बिल्ला,
मनु छाबड़ा, पूर्व पार्षद रीटा शर्मा, पूर्व पार्षद सुभाष शर्मा, यादव खोसला, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, उद्योगपति नरेश सहगल, दिनेश सहगल, मंच संचालक बलदेव आनंद, दीपक झांजी, जगमोहन सिंह खोसला, नीरज मित्तल, बलदेव आनंद, सुधीर अरोड़ा, हर्ष महाजन, ज्योति मरवाहा, रमन शर्मा, राजू शर्मा, रमन मीर, अश्वनी शर्मा, सौरभ शर्मा, रमेश जालंधरी सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा, सुदेश भगत, रजनीश राजवीर के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। ज्वाला मैया मातृपुर मालिनी माया माया माँ सावित्री माँ भद्रकाली मणिबंधवाली माँ अंबिका अंबाजी मैया माँ चंद्रभागा भागा वाली माता बड़ी वाली देवी कमालिनी चटल भवानी माँ सुगंधा माँ जयंती शैल महालक्ष्मी देवी कुमारी हे माता विमला भ्रामरी देवी बहुला देवी मंगल चंद्रिका मशीमटरी हाटी वाली फुल्लारी वाली फुल्लारा वाली हंडीपुर वाली जोगाधा मैया महाकालिका देवी महाकांची वाली भद्रकाली माँ विमला देवी शुची मैया रामेंद्री कैलम वाली कर्नाक वाली कामाख्या रानी मिथिला वाली यशोश्री वाली यशोरेश्वरी वाली माँ इंद्राक्षी गुहेश्वरी देवी आध्या माता दंतकाली मनसाराणी हिंगला माता जय 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 माँ बोलिए बोलिए जय 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 माँ तेरे जितने भी स्वरूप हैं। जितने भी नाम माता मैं सबको करूं नमस्कार मैया तुम कृपा करो मेरी बिनती बारंबार मैया बोल साचे दरबार की
बोलिए साचे दरबार की जयकारा शेरां वाली दा जयकारा मां त्रिपुरमालिनी जी का बोल साचे दरबार की बोल साचे दरबार की साचे दरबार की रिवर्ब थोड़ी जी जय माता दी बोल जय माता दी बोल जोड़ जोड़ के कोठे भर दे नाल ना जाना तेला नाल ना जाना तेला आखर नू तुर जाना लेके खाली हाथ अकेला माया आउनी जानी पिछे ना स्वासा नू रोल जय माता दी बोल पलंग नवारी से जा छड़ के जंगली होने बिछाने जंगली होने बिछाने सदा ना गीत प्रेमी गाने सदा नहीं साज बजाने सदा नहीं साज बजाने सदा नहीं साज बजाने सत्या जागनी आनी पावे लख बजा ले ढोल जय माता दी बोल जय माता दी बोल पाप कमाने नहीं बनने तेरे घर दे जिना नाल तू पाई मोहब्बत पल पल दे विच मरदे झूठी दुनिया साक भी झूठे झूठे ने सब लोग जय माता माता जी बोल जय माता जी बोल जय माता जी बोल जय माता जी बोल जय माता जी बोल आ गया वेला मां आ गया वेला मां सोना है वेला मां आ गया वेला मां आ गया तेरा ए देवी तालाब मां मैनू सोना लगदा है तेरा ए देवी तालाब सिर्फ सिर्फ ओही ताड़ी बजाउणगे जिन्हू देवी तालाब अच्छा लगदा है जिदा प्यार मां त्रिपुरमालिनी जी दे चरणा दे नाल है सिर्फ ओही ताड़ी बजाउणगे ओ भी दोनों हाथ ऊपर करके
तेरा है देवी तालाब मां मैनू सोना लगता है देवी तालाब मां बहुत ही शानदार भाव के नाल सिद्धपीठ माते परमाली दरबार दे विच सालाना मेला का आयोजन होया है। मैं सारी संगत को सब तो पहला बहुत ही बधाई दूंगा। मां सब की मुराद पूरी करती है और ये मेला हर साल बहुत ही विशाल रूप धारण कर रहा है और अज भी सवेरे 4 बजे तो लैके हूँ तकर बहुत ही लखां की गिनती दे विच अज इत्थे श्रद्धालु आके नतमस्तक हो रहे हैं, अपने मन की मुराद मंग रहे हैं और माँ उन्हें मुराद पूरी भी करती है। जिहड़ा भी परिवार इत्थे आके लगातार 40 दिन जोर जगांदा है माँ उहदी हर मनोकामना पूरी करती है। मैं तो माँ का भगत हाँ, डेली सवेरे माँ को नमस्ते हो के अपना कारोबार शुरू करीदा है। मैं एक बार फिर शीतल बिश साहब न राजेश बिश साहब न जोड़े लोग साथी इतने सेवा करते हैं दरबार के उन्होंने सारियां इस गल की बधाई दूंगा और माँ की कृपा उन्होंने बनी रहे, उन्होंने सेहत तंदुरुस्त रहे, लंबी उम्र होवे ऐसी माँ के मैं मंगल कामना करूँगा। और जिन्हें लोगों ने लंगर लगाए उन्होंने भी धन्यवाद करूँगा जिन्होंने बहुत ही श्रद्धा और भाव के लंगर लगाए। और साढ़े जंदे दे कैंडीडेट भारतीय जनता पार्टी के लोग सभा के प्रत्याशी मेरा वीर शशि रिंकू साहब भी अपने परिवार सहित अपने बेटे अपनी वाइफ के नाल अपनी पूरी सारी टीम के नाल अज इत्थे आ के माँ के बड़े नतमस्तक होए हैं। असीं सारे ने माँ अगे ये मंग की है कि माँ साढ़े प्राण नूं कामयाब करे और मुड़ के 5 साल साढ़े इस शहर की सेवा अच्छे तरीके निभावे। माँ साड़ी मनोकामना पूरी करेगी, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। असं जित के फिर माँ के दरबार के आवेंगे। सारे बहुत बहुत धन्यवाद। माँ का आशीर्वाद सब तो बनया रहे ऐसी माँ के मैं मंगल कामना करता। मैं त्रिपुर मालिनी माता जी के मंदिर के उन्होंने एक बहुत बड़ा मेला इतने देवी तलाब मंदिर जो मनाया जा रहा उन्होंने दिहाड़ा मनाया जा रहा और बहुत बड़ा मेला जरा लगा के लोग जी अपनी श्रद्धा संबंधी भेंट कर आए हैं और इतने नतमस्तक होकर अपनी मुरादा पूरिया करने आए हैं। और मैं भी अज इस शुभ दिहाड़े के उत्ते अपना नतमस्तक होकर महामाई का आशीर्वाद लैन लिए आया और मैं महामाई के चरणों अरदास बेनती करता कि वो सारे उत्ते जिस तरह मेहर भरिया हमेशा हाथ रखती है उस तरह सारे ते हाथ बना के रखे अपना मेहर भरिया हाथ रखे और सारे दी मनोकामना पूरिया करे इस उम्मीद न कि सारे खुशियां सारे घर खुशियां खेड़े लैके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। माँ त्रिपुर माली जी का जो बहुत ही पवित्र मेला साढ़े बहुत ही जड़ा पूजनीक मंदिर है सिद्ध बाबा देवी तलाब मंदिर दे विच जड़ा मंदिर है वो बड़ा चावा और श्रद्धा के नाल मनाया जा रहा। सवेर तो ही अज जड़ा संगत का जड़ा जिस तरीके संगत उमड़ी आज तो यह गल मैं महसूस कर रहा कि माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो संगतों के उपर है और सवेर तो ही लगातार जो संगत का रश है वो लगातार बढ़ रहा और मंदिर परिसर के और मंदिर के बाहर भी कित भी पैर रखने की थान नहीं है। तो मैं समझदा कि जड़िया संगत सच्चे मन के नाल माता रानी के दरबार के आके नमन कर दियाँ माता रानी उन्होंने हमेशा झोलियाँ भर दियाँ और बहुत विशाल जिहड़े लंगर भंडारे है इन्हां दा आयोजन भी वख वख परिवारां द्वारा वख वख शहर दियां जिहड़ियां धार्मिक समाजिक जथेबंदियां उन्हां वल्लों उपराला कीता गया। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ समुची मंदिर कमेटी का आदरणीय साडे प्रधान जी शीतल वेद जी का उन्हां दी समुची टीम का जिन्हां दे उपराले सदका है सारे जिहड़े कार्यक्रम है उन्होंने बड़े सफलतापूर्वक तरीके दे नाल सिरे चढ़ाया जांदा। मेरे वल्लों मेरे परिवार वल्लों माँ त्रिपुर मालिनी जी के अज के इस पावन पवित्र पवित्र मेले के उत्ते सारी जलंधर की संगत को बहुत बहुत बधाई। जय माता। होशियारपुर जालंधर मार्ग पर एक निजी कंपनी के शोरूम में उस समय हंगामा हो गया जब दसूहा के कुछ नौजवानों के बड़े सपने पूरे करने के इरादे से लगभग 50 लाख की कीमत का टिप्पर किश्तों पर खरीदा गया लेकिन वो टिप्पर 10 दिन भी ना चल सका। जब नौजवानों के कंपनी के शोरूम वालों को बताया तो उन्होंने टिप्पर ठीक करने या बदलने के लिए हाथ खड़े कर दिए जिसके बाद टिप्पर मालिक और उसके पार्टनर नौजवानों ने टिप्पर को शोरूम के गेट के सामने लगाकर अंदर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया और कहा कि अगर उनका मामला हल नहीं हुआ तो वे खुद
तेल छिड़क कर आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें किराए पर टिप्पर लेकर चलाना पड़ रहा है, जिसका किराया वे अपनी जेब से भर रहे हैं। इतना ही नहीं, खरीदे गए टिप्पर के लोन की किश्त जो कि 1,00,000 रुपए से अधिक है, वो भी कैसे वे अदा करेंगे। वहीं जब इस संबंध में शोरूम के स्टाफ से बात करनी चाहिए तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि नौजवान बिना मतलब हंगामा कर रहे हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों द्वारा खरीदे गए टिप्पर में आए नुकसान की मुरम्मत करवा दी जाए। इतना ही नहीं, मौके पर शोरूम वालों ने नौजवानों को शांत करने का मामला हल करने की जगह पुलिस को बुला लिया। पाजी यही टाटा लेवरा तो गड्डी ले सी नवी। ये हुशियारपुर तो जलंधर रोड तो जी। अच्छा जी, की दिक्कत आ गई? गड्डी 20 तरीक नूं लै गए जी, 21 नूं अहीं गड्डी पजाईए सामां लै गए 20 नूं, ते 23 तरीक नूं अहीं काम ते लाईए जी, 24 तरीक नूं गड्डी ब्रेक डाउन आ जी। अच्छा जी, इहनां नूं फोन कीता, चलो अगले दिन होली आ गई 25 नूं, 25 नूं कोई नहीं आया, 26 तरीक नूं बंदे आउंदे इहनां दे जी, कोई मसला हल नहीं होया, 27 नूं फिर टैक्नीशियन आया, कोई मसला हल नहीं होया, 28 नूं फिर आया, फिर कोई मसला हल नहीं होया, फिर 2 दिन इन्हें चो आया ही कोई नहीं, परसों आए ठीक है, साडा एक होर बंदा आ रहा वो भी आया, वो भी हाथ खड़े कर गया जी, कल इंजीनियर आया वो भी हाथ खड़े कर गया जी, इहदा कोई मसला साडा होया कोई नहीं। इन्हां मैं कहा जां तां गड्डी लै जाओ उत्थे एजेंसी तुसीं, उत्थे जाके जो करना करदे रहो, इहदा इहतों साइड तों लै जाओ, ते कहिंदे नहीं गड्डी अहीं लै के नहीं, तुसीं छड्ड के जाओ भाअ जी, जां तां सानूं रिप्लेस करके पीस देण, नहीं तां सानूं हाँ गरंटी देण भी हाँ गड्डी अहीं इन्ने दिन 'च ओके करके दिंदे आ। 20 तरीक नूं गड्डी दी किश्त आ गई जी, एक दिन मात्र गड्डी चली है, 10 दिन अज खड़ी नूं हो गए जी, तो 20 तरीक नूं किश्त आ गई, ये गड्डी दी किश्त भरन, साडे नाल पूरा महीना ट्राई ले जाण, जद इहनां दी संतुष्टि हो जू सानूं दस देण, इहदी बजाए एक गड्डी अहीं रेंट ते लाई होई आ, उत्थे 2,50,000 रुपए रेंट ते लाई आ, वह गड्डी दा रेंट भरी जाण, जद तक गड्डी ने तो यह ओके नहीं होंदी। हरप्रीत साहब इहनां दे हैगे आ, गल होई आ, परसों उहनां नूं फोन कीता जी, वह कहिंदा यार मैं तुहानूं गड्डी दे के फस गया, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਲਟ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੀਬਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਚਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਾ ਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆ, ਲਿਬਰਾ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਬਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਸਾਡੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਈ 12-1 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਫਾਲਟ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਜ਼ ਪਰ ਨੋਰਮਸ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਥਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਕੰਪਨੀ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਸਟਮਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਫਗਵਾੜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗਦੀਆ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਚੋਰੀ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਘਰ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਘਰ ਸੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦੂਰੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਪਰ ਗਏ ਥੇ ਕਿ ਪੀਛੇ ਘਰ ਮੇਂ ਚੋਰ ਘੁਸ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕਰ ਪਾਣੀ ਕੇ नल उतारने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी घर वापस आ गई, जिसे देखकर चोर दीवार से छलांग लगाकर भागने लगा, तो उसकी पत्नी ने शोर मचा दिया, जिससे लोगों ने चोर को मौके पर काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए चोर ने अपना नाम मुस्तफा बताया, जो कि खोतड़ा का रहने वाला है। फिलहाल लोगों ने चोर को पकड़कर थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। मुस्तफा जी ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ?
ਭਾਈ ਇਧਰ ਚੱਲਾ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ ਗਿਆ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜਿਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜਿਆ ਮੈਂ ਹੈਂ ਹੈਲੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਨਖਾਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੋੜਿਆ ਬਸ ਕੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਧਨੀਆ ਲੈਣ ਦੇ ਸੀ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਟੂਟੀਆਂ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹ ਆਦਮੀ ਉੱਪਰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੁੜੇ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਜੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੇ ਸਟਾਰ ਹੀਰੋ ਕਹੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜੌਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਮੈਂ OTT ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਵੋ ਭੀ ਦਿਨ ਥੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਚਾਰੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਆ ਹੈ ਟੀਨੇਜ ਪਰ ਬਨੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਲਵ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸਮੇ ਲੀਡ ਹੀਰੋ ਜੌਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲ ਕੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕਾ ਰੋਲ ਚਾਰੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁਆ ਹੈ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੀ ਥੀ ਔਰ ਸਟੇਜ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਲਵ ਸ਼ਬ ਔਰ ਚਿਕਨ ਖੁਰਾਨਾ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇ ਸਾਥ ਛੋਟਾ ਸਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਆ ਥਾ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸ਼ਨ ਥਾ ਔਰ ਉਨ੍ਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਵੇ ਕਭੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੇਂਗੀ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਯਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥਾ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਪਰ ਉਨ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਨ੍ਹੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਵੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਰੂ ਬੇਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੂਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ Z5 ਤੇ 29th ਆਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋ ਭੀ ਦਿਨ ਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਵੀ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜ ਮੂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੀਨੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਟਾਈਪ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲਵ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਲਵ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸੈੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਕਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਰਾਜਯ ਜਨਰਲ ਸਚਿਵ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਕੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਉਸੇ ਨਿਭਾਏਂਗੇ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸੈੱਲ ਕੋ ਆਗੇ ਬੜਾਏਂਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਮੈਂ ਵੇ ਭਾਜਪਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਸੇ ਜਿਤਾਏਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਰਕਰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ BJP ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ BJP 'ਚ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ 9 ਦੇਵੀਓ ਕੇ ਨਾਮ ਨਵਰਾਤਰੀ ਮਹੋਤਸਵ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੋ ਰਾਤਰੀ 8 ਵਜੇ ਸੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਜਿਨਮੇ ਚੀਨੂ ਸਹਿਗਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ
प्रवीण लक्की एंड पार्टी जालंधर वाले, संजय सावरिया एंड पार्टी लुधियाना वाले, नीटू चंचल एंड पार्टी कैथल वाले, गौरव चतर्थ एंड पार्टी जालंधर वाले, कुमार हरीश एंड पार्टी पठानकोट वाले, वरुण मदान एंड पार्टी जालंधर वाले और राजन चंचल एंड पार्टी अमृतसर वाले विशेष रूप से उपस्थित होकर नवरात्रि महोत्सव में मां भगवती का गुणगान करेंगे। ये जानकारी श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज वन के प्रधान राजेश अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि चैत्र के नवरात्रों में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 अप्रैल दिन रविवार को शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक होने वाली भजन संध्या में 31,000 माँ की पावन ज्योतियां को भक्तों द्वारा प्रज्वलित किया जाएगा। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए कमेटी की तरफ से हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। श्री दुर्गा स्तुति के पाठ भी किए जाएंगे। उन्होंने सभी शहरवासियों से इस अवसर पर शामिल होकर महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। माँ के भक्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि हर साल की तरह इस साल भी श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज वन में माँ की चौकियों का आयोजन किया जा रहा है 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, और इसके अंदर 12 सिद्ध पीठों से माँ की ज्योतें सलासर हनुमान जी और भैरव बाबा की ज्योतें 8 तारीख शाम को मंदिर के पवित्र प्रांगण में पहुंच रही हैं। विभिन्न भक्तों द्वारा वो जाकर उनके महलों से उन माता रानियों को यहाँ पर लेकर आएंगे। आपको आपके दर्शनों के लिए आप आइए अपने परिवार को लेकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और दूसरा आपको बताना चाहता हूं कि इस चेत के नवरात्रों में 14 तारीख यानी कि दिन है इतवार, शाम को समय है 5:30 बजे। जिन्होंने ज्योतों को सजाना है वो समय से पहले 3 बजे आए और अच्छे अच्छे कपड़े, लाल गुलाबी हरे कपड़े डालकर आए, और यहां पर 31,000 ज्योतें माँ के भक्तों द्वारा प्रज्वलित की जाएंगी, जो कि साल में एक बार हम करते हैं। आपने आके अपने परिवार की एक ज्योत जलानी है। जिस तरह से वो ज्योतें जगमगाएंगी, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके सभी लोग ऐसे ही जगमगाएंगे। और 16 तारीख को सिद्ध पीठ श्री देवी तालाब मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हर साल की तरह श्री शीतल विज जी की अगुवाई में हम भी अपने मंदिर की तरफ से बहुत बड़ी शोभा यात्रा को लेकर सिद्ध पीठ श्री देवी तालाब मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। आप तब भी आइए और जयकारे लगाते आइए माता के और भगवान श्री राम के जयकारों से ये महानगरी गूंज उठेगी। श्री शीतल विज जी आपका इंतजार कर रहे हैं, देवी तालाब मंदिर आपका इंतजार कर रहा है। हम चलेंगे महानगरी में परिक्रमा करते हुए, फिर हम वापिस आएंगे अपने अपने घरों को। तो भगवान श्री राम के झंडे लेकर आए और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़े दिन पहले आपने प्राण प्रतिष्ठा देखी है अयोध्या में, वो नजारा आपको दोबारा देखने को मिलेगा। आइए आपको आमंत्रित करते हैं सिद्ध पीठ श्री देवी तालाब मंदिर में 16 तारीख को, समय है 2 बजे। शीतल विज जी की अगुवाई में, उनकी टीम की अगुवाई में आप आइए और गीता मंदिर में 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक यहाँ भी आइए माता की चौकी के लिए। जय माता दी। सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा के संबंध में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपर्क अभियान टीम के अश्वनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा ने श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर अजीत नगर के बलदेव राज शर्मा, पंडित विनोद मिश्रा, सुरेंद्र पप्पी, सोनम और अशोक कुमार, श्री रमन शिव मंदिर के महंत अशोक शर्मा, मधु शर्मा, वीणा शर्मा, रक्षा देवी, ज्योति, मंजू, उषा रानी एवं पंडित जगदीश प्रसाद, पूर्व पार्षद बाल कृष्णा बाली, गगन बाली, काकू विकास जोशी एवं सागर दत्ता, श्री राम मंदिर धन मोहल्ला के विवेक पुरी, विक्की और मुनीश राजपूत, पूर्व पार्षद रीता शर्मा एवं पंकज शर्मा से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर
असंख्य भक्तों और सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को ये विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों और सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। हम सब राम भक्त श्री सिद्ध त्रिपुर मालिनी दरबार से, सिद्ध शक्तिपीठ माँ के दरबार से 16 अप्रैल मंगलवार को श्री राम भगवान जी की शोभा यात्रा निकलनी है। उसमें हम सब भक्त बड़े श्रद्धा भाव से भगवती माँ के दरबार से पहुँच करके भगवान का गुणगान करते हुए शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। जय श्री राम, जय श्री। हर साल की तरह इस साल भी रमन शिव मंदिर वालों और देवी तलाब प्रबंधक कमेटी वालों जी शोभा यात्रा रामनवमी के शुभ दिन से होती है। इस बार 16 अप्रैल मंगलवार को बड़ी श्रद्धा के नाल हो रही है। हुम हुम आके रमन शिव मंदिर वालों उसके हिस्सा लिता जाएगा। सारी संगत हर साल उत्थे जाके उसके योगदान पाँगी अपने अपनी सेवा का, और इस बार भी पूरी संगत दरबार के पहुँच रही है। रामनवमी पवित्र यात्रा जी बाबा देवी तला और श्री शीतल सिंह जी के अगुवाई के जी शहर तारसक कही जाती है और अच्छ जिते देवी तला कमेटी वालों रमन जी जी आए हैं सदा देन सत्या देने की हुक्म करना आए हैं। उत्थे अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली समझदा कि परमात्मा राम जी ने उन्होंने दर्शन की जी शोभा यात्रा निकलती और शोभा यात्रा शामिल हो रही है। निमंत्रण पत्र दिता इन्होंने और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली कहना कि पावन उसने चल के नाल शोभा यात्रा से जिते अपना जीवन सफल करना है उत्थे नाल नाल सारे लोगों भी शहर वासियों भी सारे अपील करता प्रार्थना करता कि सारे लोग आप सारे प्रभु राम की शोभा यात्रा देवी तला श्री शीतल बेच की प्रधानगी हेठ जी कही जा रही और शामिल होइए और अपने अपने जीवन जिते आप अपना सफल करिए उत्थे अपने परिवारों भी नाल लैके पहुंचे जो उन्होंने जीवनी का पता लगे कि प्रभु राम ने साढ़े लिए कड़े दर्श स्थापित किए इन्ने लफ्जा के नाल। जय श्री राम, जय माता जी। सारियां नूं धन मल्ले श्री राम मंदिर वालों प्रधान जी बिक्की पुरी जी वालों सारियां नूं बेनती की जाती है। सारे चरणों च अरदास है माता रानी के यही बेनती है कि श्री प्रभु श्री राम जी की शोभा यात्रा जो 16 अप्रैल निकल रही है श्री देवी तला प्रबंधक कमेटी वालों सारे ही मेरे वीर भरा उहदे विच वध चढ़ के हिस्सा लैन। सारियां नूं जय श्री राम। देवी तला मंदिर चो जो शोभा यात्रा निकल रही है हर साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा के फगवाड़ा गेट असी शर्मा फैमिली वालों लंगर लगावांगे और जो शीतल जी साड़ी ड्यूटी लगाएंगे असी उस मंदिर कमेटी लगाएगी असी उन्हां दे नाल हाजिर खड़े हैं। पूर्व पुलिस कप्तान और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर सरदार चरणजीत सिंह बाबा का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय चरणजीत सिंह बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पारिवारिक सदस्य तरनजीत सिंह बाबा, परमजीत सिंह बाबा, गगन बाबा, इंस्पेक्टर रश्मिंदर सिंह सिद्धू, डीजीपी महल सिंह भुलेर सहित कई पुलिस अधिकारी और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय चरणजीत सिंह बाबा को नम आंखों से विदाई दी। आपको बता दें कि स्वर्गीय सरदार चरणजीत सिंह बाबा ने पंजाब पुलिस फुटबॉल टीम को कई टूर्नामेंट जिताने में योगदान दिया और अपने समय के बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी पुलिस सेवा बड़ी ईमानदारी और बहादुरी से निभाई। उन्होंने गुरदासपुर, बटाला, होशियारपुर में पुलिस अधीक्षक के तौर पर बखूबी काम किया और कुछ समय तक NRI सभा जालंधर में भी वे कार्यरत रहे।
श्री राधा कृष्ण सेवा परिवार की तरफ से एक शाम मुरली वाले के नाम भजन संध्या भगत सिंह कॉलोनी में करवाई गई। इस भजन संध्या में ब्रजरस अनुरागी चित्र विचित्र महाराज ने भजनों के माध्यम से सभी भक्तों को कृतार्थ किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक रमन अरोड़ा, भाजपा लोकसभा प्रभारी सुशील कुमार रिंकू, पूर्व CPS KD भंडारी ने शिरकत कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर ऋषि देव, वरुण गुप्ता, मदन गोपाल नारंग, उमेश कुमार, हरविंदर सिंह सचदेवा, जतिंदर गुप्ता, विपन कुमार श्रीवास्तव, अशोक शर्मा, रमेश चौधरी, रजत दुग्गल, मनहर पशान, वनीत शर्मा, मुनीश अरोड़ा, राजीव वर्मा, राजन टंडन, सुविकरण चौधरी, शिवम गुप्ता, ललित गुप्ता, मनीष शर्मा, रोहित मिश्रा सहित असंख्य भक्तजन शामिल थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। अमृतसर के तरनतारन रोड पर एक निजी बैंक में दिन दिहाड़े लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। होशियारपुर पुलिस ने ATM चोर गिरोह पर्दाफाश कर आरोपियों को किया काबू। चोर के व्हीकल, गैस कटर और सिलेंडर किए बरामद। विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी दरबार का वार्षिक मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न। प्रसिद्ध पंजाबी गायक रोशन प्रिंस ने लगाई हाजिरी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।